अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, कैसे मेरे भाइयों, खैरियत। तो तभी इस वीडियो में आपसे खास बात करूंगा एप्सल अकाउंट के बारे में। और हमारे बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं हर जगह पे, भाई सऊदी अरब ने बैन लगाई फ्लाइट, जो लोग दुबई में जाके फंस गए ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग इंडिया में फंसे हैं उनके बारे में तो आप भूल गए शायद, उनके लिए भी कुछ सोचिए आप, उनके बारे में तो वीडियो ही नहीं बना रहे हैं। मतलब जो लोग इंडिया में इस टाइम पे फंसे हैं वो किसी और देश से आना चाहते हैं। चलिए इस पे हम बात करेंगे पूरा अच्छे से, ठीक है। और आपको बताऊंगा वीजा के बारे में, दुबई का वीजा बढ़ा दिया गया है। और कोरोना के बारे में बताऊंगा आपको, सऊदी अरब की आज कितने केस निकले हैं सऊदी अरब में 13 फरवरी को। तो मैं आपको सबसे पहले सऊदी अरब के कोरोना की अपडेट दे देता हूं, आपके सामने स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। 13 फरवरी का केस थोड़ा डाउन हुआ है, 337 केस निकले हैं, लेकिन हाईएस्ट लेवल पे केस रियाद में ही ज्यादा रहता है, 161 है आज। वैसे आज केस कम हुए हैं। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल्ला आली ने कहा है कि हिफाजती इकदामात बरते रहें, जितने भी लोग हैं गैदरिंग ना करें और मास्क लगा कर रखें, मस्जिद में जाते हो हिफाजत से रहो, दूरी बना के रखो, ये सारे हिदायत दिए गए हैं। जो लोग सऊदी अरब में वीडियो मेरे देख रहे हो तो आपको पता है, फॉलो करके रखो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और तवक्कल ना, आपने नहीं बनाया तो बना लीजिए। अब हम बात करते हैं कि हमारे बहुत सारे भाई जो दुबई में फंसे हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन सब का 31 मार्च, किसी का 12 मार्च, मतलब डेट वाइज के हिसाब से आगे पीछे जो है उन लोगों का जो विजिट वीजा था दुबई का वो बढ़ा दिया गया है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट कहीं पर नहीं हुआ, लेकिन वेबसाइट के थ्रू जो मैंने कल पोस्ट किया था, हमारे बहुत सारे भाइयों ने बताया था, कल रात की वीडियो आपने देखी होगी, मैंने कहा था कि जिन लोगों का बढ़ा मुझे कमेंट कीजिए, तो 600 साढ़े 600 कमेंट में 250-300 कमेंट तो भाई बढ़ गया है, 31 मार्च तक बढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने चेक किया, कई सारे लोगों का नहीं बढ़ा है, शायद आगे पीछे डेट में शायद आपका बढ़ जाए, ठीक है। तो यहां पर जो भी दुबई में फंसे हो भाई, आपका विजिट वीजा जो भी है चेक कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर लेना जाकर, अगर आपका बढ़ गया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब हम बात करते हैं, हमारे बहुत सारे भाई गुस्सा है मुझसे, क्यों जावेद भाई, जो लोग दुबई में गए जाके फंस गए, इस टाइम पे सऊदी अरब ने बैन लगा दी, फ्लाइट तो नहीं आ सकते, हम फिलहाल अभी इंडिया में है, तो क्या हम वाया बांग्लादेश, वाया बहरेन, वाया ओमान, वाया नेपाल, वाया भूटान, वाया जॉर्डन, अरे कितना सारा वाया जुड़ गया, आ सकते हैं क्या? अब ये सवाल ऐसा था कि मैं खुद सोचने में पड़ गया। भाई आप लोग ये सोचिए कि अगर इन सब कंट्रियों से आना आसान है, थोड़ी देर के लिए मान लो पहले आसान है, है आसान है, आसान है, तो आप लोग वाया दुबई होकर के क्यों आ रहे थे? पॉइंट की बात है कि नहीं, जब इन सब कंट्रियों से आप आ सकते थे तो वाया दुबई होकर के आने की क्या जरूरत है आपको, समझ रहे मेरी बात? लोग एजेंट लोग, ट्रेवल वाले एजेंट लोग, सारे लोग वाया दुबई होकर के क्यों भेज रहे थे भाई? क्योंकि सस्ता पड़ रहा था और आसानी से वीजा मिल जा रहा था, राइट? लेकिन अगर इन सब देशों से लोग आ रहे थे, ऐसा नहीं आ रहे थे, आ रहे थे, लेकिन पता नहीं नेपाल वाले कहीं फ्लाइट बैन कर दे, पता नहीं भूटान वाले फ्लाइट बैन कर दे, पता नहीं बहरीन वाले फ्लाइट बैन कर दे, तो इस टाइम पर जो आप हमसे सवाल कर रहे हैं, तो अभी बहुत सारा प्रेशर गया हुआ है ट्रेवल एजेंटों के ऊपर, जो हमारे भाई लोग हैं, भाई किसी तरह आप भेजो 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 भेजो, पता नहीं सऊदी अरब कब फ्लाइट खुलेगी, कब फ्लाइट खुलेगी, कोई डेट बताया ही नहीं, हम लोग यहाँ फंसे रहे हैं। मैंने ये बात का डिस्कस प्रेरणा ट्रेवल्स, हमारे जो भाई है, जो हमारे भाई नहीं है मतलब कि उनसे ही मैंने काम कराया था, जो दुबई से बहुत सारे लोग आए हैं लगातार 3 महीने से, लगातार लोग आए, अभी भी उन लोग उनसे जो आए हैं लोग दुबई में आके फंसे हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं, बहुत सारे ट्रेवल वाले से दुबई में लोग फंसे हुए हैं जो कि फ्लाइट बैन है इसकी वजह से, तो उनके पास ही बहुत सारे लोग आए हैं, भीड़ लगा रखे, भाई आप किसी तरह कर दो, हम अपनी जिम्मेवारी लेते हैं, हम चले जाएंगे, जो भी होगा हम देख लेंगे। तो मैंने आपको क्या कहा, अगर आप वाया बहरेन जाते हो, वाया बहरेन की बात कर रहा हूं, तो कम से कम 1 लाख रुपए का खर्च आएगा, 1 लाख 1.25 लाख का खर्च आएगा, ठीक है। प्रेरणा ट्रेवल से आप कॉन्टेक्ट कर लो अगर आपको जाना हो, अगर आप अपनी जिम्मेवारी खुद लेते हो तो कॉन्टेक्ट कर लो, वरना सऊदी गवर्नमेंट तो खैर बैन लगा कर रखी है फ्लाइट पे, बाकी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा, यहाँ पर इंडियन एम्बेसी ने, कि अभी किसी भी देश से आप ट्रैवल मत कीजिए, जो आपको पहले क्लियर कर दिया गया कि जब सब कुछ खुल जाए तभी आप आगे का कोई भी सिस्टम बनाइए ट्रैवल करने का, या किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहां के क्या हालात है पता नहीं, आप पहुंचो और क्वारंटाइन करो 15-16 दिन, मालूम पड़ा पैसा भरे, फिर से वहां का फ्लाइट बंद हो गया तो क्या करोगे फिर? तो जिस तरीके से आप काम कराना चाहते हो करा लो, कोई ना कोई ट्रैवलर आपका काम कर ही देगा, ठीक है। और इस टाइम पे 100% में 99% ये ध्यान रखो कि भाई आगे चल करके कोई मुसीबत आती है उसको झेलने के लिए आप तैयार रहना, क्योंकि यहां पर सऊदी अरब ने फ्लाइट बैन कर रखी है, बाकी किसी दूसरे कंट्री से आप जाना चाहोगे मालूम पड़ा अरे वहां से आवाजाही जो है शुरू हो चुका है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि इंडियन पासपोर्ट की एंट्री वाया जॉर्डन से होती है, वाया नेपाल होकर के होती है, या वाया बांग्लादेश होकर के होती है सऊदी अरब में इंडियन पासपोर्ट की एंट्री, तो क्या वहां पे इंडियन काउंट नहीं किए जाएंगे? जितनी बार आएगा लोग देखा जाएगा अरे ये इंडियन आया, इधर से आया, मतलब कि आवाजाही चालू हो चुका है, समझ रहे मेरी बात?
तो भाई जो समझदार होंगे इस बात को समझ जाएंगे, जो समझदार नहीं होंगे नीचे लिखेंगे भाई आप तो फिर वही वाली बात कर दिए। लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई यहाँ पर, अब कोई पता नहीं है आप 14 दिन क्वारंटाइन में रहो और फिर सऊदी अरब उसी देश का जिस देश से आ रहे हो आप वहां से फ्लाइट बैन कर दे, फिर आगे आगे क्या करोगे आप। जैसे जो दुबई में जिनका जो जैसा हाल बना हुआ है वैसे ही आपका हाल बनेगा। अब बात करते हैं एफसर अकाउंट के बारे में। बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि जवाब एफसर अकाउंट का दिया गया स्पेशली उर्दू न्यूज में। आजिल न्यूज में बताया जाता है तो उर्दू न्यूज में पूरी हिंदी में बता दी जाती है। आपके साथ मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें क्या बताया गया है, देखो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है कि उनका नंबर 4-4 साल पुराना है और उन्होंने एफसर अकाउंट किसी और नंबर से बनाया था, फिर एक नंबर से 2-2 एफसर अकाउंट बना लिया था। कई सारे ऐसे सवाल है इसमें। यहाँ पर इस टाइम पर आपको ये न्यू एक्टिव सिस्टम हो चुका है, यहाँ पर एफसर अकाउंट आपके खुद के मोबाइल नंबर से बनाना चाहिए जो आपके एकामा पर निकाला हुआ है, ना कि किसी दूसरे के एकामा से निकाल करके नंबर और उससे आप एफसर अकाउंट बना रहे हो तो आपका ना लॉगिन होगा, फिलहाल बनेगा ही नहीं। इसके बाद कई सारे लोगों का फिंगर नहीं आ रहा है, कई लोग जो पेंटर का काम करते हैं तो उनका फिंगर का जो है जो निशान है, जो निशान देखते फिंगर का, ये मिट गया है। तो कितनी बार ये मशीन में जाता है फिंगर एक्सेस नहीं करता है, कितनी बार क्या होता है कि कितने लोग जाते हैं फिंगर देते हैं फिंगर ही नहीं आता है। तो इन सब के लिए प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है। धीरे धीरे बहुत सारे जगह पर मशीनें जो है खास करके इस सब के लिए इंतजाम किए जाएंगे इंशाल्लाह, इन्होंने कहा है। वैसे आपको बता दूं कि सऊदी अरब में जितने भी मॉल्स में अफसर अकाउंट की मशीनें लगी थी उसे लगभग हटा दी गई है, वो भीड़ की वजह से। तो लोग इस टाइम पे अफसर अकाउंट कहां पर बनवाएंगे, कैसे बनवाएंगे? अब जिनका बना हुआ है वो तो ठीक है, जिनका नहीं बना हुआ उनको सबसे आसानी चीज है कि आप मोबाइल में चले जाओ। तो मोबाइल में मालूम पड़ रहा मुझे कि कोई 180 रियाल ले रहा है तो कोई 280 रियाल ले रहा है, तो कहीं पे पैसा ले रहा है कहीं पे पैसा नहीं ले रहा है। तो मोबाइल में शायद मुझे लग रहा है ये लोग सिम दे रहे हैं कि क्या दे रहे हैं। अगर आपसे पैसा लिया गया है एफसर अकाउंट बनाने का तो मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा किधर आप रहते हो, जहां से आपने बनवाया है सऊदी अरब में, कहां से आपने बनवाया, कैसे बनवाया एफसर अकाउंट, मुझे कमेंट में बताना फिर मैं ताकि लोगों को बता सकूं। आप लोग कमेंट करना इस बारे में कि आपने एफसर अकाउंट बनाया तो क्या पैसा दिया है। वैसे एफसर अकाउंट बनाना फ्री है, ना कि कोई पैसा लगेगा इसमें, कोई भी पैसा नहीं लगता है। तभी मैंने कहा था शुरू से भाई बनवा लो बनवा लो बनवा लो, ये बहुत जरूरत पड़ेगा आगे चल के, आप लोग तो बात नहीं सुने थे। खैर चलो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफसर अकाउंट बनाना भी जरूरी नहीं है इस टाइम पे, आपको तवक्कलना की जरूरत है। लेकिन एफसर अकाउंट आगे चल करके जो भी आपको मालूम है कि सऊदी अरब में 14 मार्च से सारे नियम कानून बदल जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें बदल जाएगी जो कि एफसर अकाउंट के बगैर आपका कोई भी काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेन थी वो मैंने आपको शेयर किया है, ठीक है। खास करके आप अपने नंबर से ही जो आपके एकामा पर निकला हुआ उसी से एफसर अकाउंट बनाया कीजिए, ना कि किसी दूसरे पे बनाया कीजिए, ठीक है। अगर आपने बनाया है तो लॉगिन नहीं हो रहा होगा, परेशानी हो रही होगी लॉगिन होने में क्योंकि किसी और के नाम का नंबर है तो एक्टिवेशन पे प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। तो ये बात थी एफसर अकाउंट की। बहुत शुक्रिया, चैनल को बने रहिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पता है 70% लोग सब्सक्राइब किए बगैर ही वीडियो देख रहे हैं। मेरे भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो, प्लीज घर जाने से पहले कम से कम 3 लाख से ऊपर तो करा दो मुझे। करा दोगे कि नहीं करा दोगे? करा दोगे ना आप लोग? तो फटाफट से वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों को। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।